डियर स्टूडेंट्स, एक और नया टॉपिक शुरू होता है हेलो एल्केन और हेलो एरेन के चैप्टर का, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए क्लोरोबेंजीन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है या फॉर्मूला क्या होता है। एक तो बेंजीन स्ट्रक्चर बना गया, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। बेंजीन स्ट्रक्चर बनती है इस तरह से, एक सर्कुलर बनाएंगे ऊपर सीएल लिखेंगे तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। या फिर हम इसका इस तरह से भी लिख सकते हैं C6H5, ये हो गया फेनिल, ये सीएल हो गया क्लोराइड, इसे फेनिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। फेनिल समूह होता है ना C6H5, ये इतना समूह होता है जब हम इसे इस तरह से लिखते हैं C6H5Cl, तो इसे फेनिल कहेंगे हम, तो फेनिल क्लोराइड भी कहते हैं हम इसे, इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बनाने की विधि आ गई, तो देखिए बनाने की विधि बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, आप इसे आसानी से समझोगे। बनाने की विधि में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे प्रयोगशाला विधि का, प्रयोगशाला में इसे कैसे बनाना है। तो देखिए क्लोरोबेंजीन को प्रयोगशाला में किस तरह से बनाया जाता है। अब यहां क्लोरोबेंजीन को प्रयोगशाला में सेंट मायर अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, सेंट मायर अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। तो अब देखिए सेंट मायर अभिक्रिया क्या होगी। सेंट मायर अभिक्रिया में बेंजीन डाइहाइड्रोनियम क्लोराइड, बेंजीन हो गया डाइहाइड्रो समूह, एंड का जो क्लोराइड है तो बेंजीन डाइहाइड्रोनियम क्लोराइड हो गया बेंजीन स्ट्रक्चर। बेंजीन डाइहाइड्रोनियम क्लोराइड को HCl में CO2 की उपस्थिति में CO2 में HCl के द्वारा 60 डिग्री सेल्सियस ताप तक हम इसे गर्म करेंगे, जिससे क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब ये बस सिंपल सा तरीका है, क्या बनाना है इसमें क्लोरोबेंजीन, ये लो ऊपर सीएल बना दिया तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। अब क्या रहेगा इसमें बाकी, ये N2 बाहर निकलेगा, ये N2 बाहर निकलेगा। क्लियर होने के बाद बहुत सिंपल अभिक्रिया होगी, बेंजीन डाइहाइड्रोनियम क्लोराइड को CO2Cl2 में HCl के द्वारा 60 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। बस इसमें ये N2 बाहर निकाल दिया, HCl बाकी जो तो रख दियो, तो सिंपल प्रोसीजर हो गया। अच्छा, एक विधि और होती है लेकिन वो प्रयोगशाला विधि नहीं है, वो विधि है गाटरमान अभिक्रिया के द्वारा। तो गाटरमान अभिक्रिया के द्वारा भी हम इसे बना सकते हैं। तो देखो गाटरमान अभिक्रिया में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज है इसमें। गाटरमान अभिक्रिया के द्वारा अभिक्रिया लिख रहे आप, गाटरमान अभिक्रिया के द्वारा बनाएंगे। तो देखिए गाटरमान अभिक्रिया में थोड़ा सा चेंज हो गया, सिर्फ यहां पर क्या लेना है, बेंजीन डाइहाइड्रोनियम क्लोराइड को कॉपर Cu व HCl के द्वारा हम गर्म करेंगे, ठीक है। तो गर्म करने पर क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइहाइड्रोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये गाटरमान अभिक्रिया के द्वारा बनाने की विधि होगी। बताओ सिंपल नहीं है क्या। गाटरमान अभिक्रिया में भी किसका यूज किया जाता है, अभिकारक के तौर पर, रिएक्टेंट के तौर पर बेंजीन डाइहाइड्रोनियम क्लोराइड का किया जाता है, और जबकि सेंट मायर अभिक्रिया में भी इसी का यूज किया जाता है। तो ये इसके बनाने की विधि आ गई। अच्छा, इसके गुण भी आ गए। तो देखिए गुण क्या होता है इसके, अब ये तो होता है रंगीन और सुगंधित द्रव होता है। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, रंगीन वह सुगंधित द्रव होता है। दूसरा क्या होता है, जिनमें अघुलनशील लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, घुलनशील होता है। जल में अघुलनशील लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्यादातर कार्बनिक यौगिक ऐसे ही होते हैं कि वे जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब जल में नहीं घुलते, लेकिन कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं। अब ये देखिए इसके कुछ रासायनिक गुण आ गए। रासायनिक गुण में सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी अमोनिया से अभिक्रिया,
इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट रासायनिक गुण बताऊंगा आपको चार या पांच इसके। अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया का फॉर्मूला आप जानते हो NH3 होता है। तो देखिए बेंजीन नाइट्रोजन क्लोराइड की अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर एनिलीन बनती है। क्या बनती है? एनिलीन बनती है। अब देखिए एनिलीन किस तरह से बनेगी, बेंजीन नाइट्रोजन सॉरी क्लोरोबेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया ऊपर सीएल लगा देंगे बेंजीन स्ट्रक्चर पर, क्लोरोबेंजीन हो गया अभिक्रिया किससे चला रहे हैं अमोनिया NH3 से, इससे अभिक्रिया कराएंगे CO2 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में। यह क्यूप्रिक ऑक्साइड के द्वारा क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है जिससे क्या बनती है एनिलीन बनती है। एनिलीन का जो फॉर्मूला होता है, एनिलीन का फॉर्मूला हो गया बेंजीन स्ट्रक्चर, बेंजीन स्ट्रक्चर के ऊपर एनिलीन समूह लगाते हैं NH2, बेंजीन एनिलीन कहने करने से, ठीक है। तो ये क्या बन गया एनिलीन बन गया। अब देखिए एक तो हाइड्रोजन का परमाणु रह गया और NH2 पर स्थापित हुआ है तो एक H और एक Cl से युक्त होकर HCl बाहर निकाल, एक Cl तो यहां से रह गया और एक हाइड्रोजन ये तो बाहर क्या निकल गया HCl, क्लियर हो गया बात। और ये क्या हो गया एनिलीन, सिंपल अभिक्रिया होगी। दूसरी अभिक्रिया देखिए, दूसरा रासायनिक गुण वो भी आपको बता देता हूं, सोडियम धातु से अभिक्रिया, सोडियम धातु से क्रिया वो इंपोर्टेंट क्रिया है। सोडियम धातु से अभिक्रिया, देखिए हमने सोडियम धातु से अभिक्रिया पहले भी कराई थी लेकिन किसकी कराई थी हमने, हमने कराई थी हाइड्रोजन की, लेकिन यहां पर ये हेलो एलिन है जो क्लोरोबेंजीन होता है ना, ये हेलो एलिन होता है क्योंकि एलिन स्ट्रक्चर हो गया और ये हैलोजन हो गया तो हम इसे हेलो एलिन भी कह सकते हैं। तो देखिए जब किसी हेलो एलिन की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो डाई एलिन बनती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, फिटिंग अभिक्रिया भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन अक्सर पूछी जाती है बोर्ड में, ये दो क्वेश्चन नेम रिएक्शन के जरूर आते हैं। मैंने बताया है कि जब किसी हेलोजन जैसे डाइक्लोरोबेंजीन ही हो गया, वो क्लोरोबेंजीन ही हो गया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या बनता है, डाइएलिन बनता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब ये ले लिया हमने इसे, इस तरह से लिख सकते हैं C6H5Cl, इस तरह से लिखने में आसान होगा भी आपको बताऊंगा। इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से करा देंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में दो लेंगे इसके, दो इसके लेंगे। मैंने बताया कि डाई एलिन बनता है, मतलब C6H5 है ना, ये दो समूह आपस में जुड़ जाएंगे C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, इसे हम कहेंगे डाई एलिन। ये डाई एलिन में फेनिल समूह होता है तो डाई फेनिल बन गया, डाई फेनिल, ये डाई फिनाइल कह सकते हैं। फिर प्लस में देखिए क्या रह गया, दो सीएल के दो एमएल के दो एमएल सीएल बाहर निकल गया, यही अभिक्रिया क्या कहलाएगी, फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये तो इस तरह तो क्या लिखेगा, बेंजीन स्ट्रक्चर के रूप में लिख सकते हैं, बेंजीन स्ट्रक्चर बनाएंगे कि बेंजीन स्ट्रक्चर हो यहां पर सीएल आ गया,
दोनों लेंगे, लेकिन इनसे पहला उंगली लगाया करती है, आपको ध्यान में रखना है, बस ऐसे ही दर्शा देना। इसके अभी आप सोडियम धातु से करते हैं, बेंजीन स्ट्रक्चर से पहले इनके अंगों की संख्या नहीं लिखा करते, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन लिखना कंपल्सरी नहीं है। शुष्की धर की उपस्थिति में अभी क्लियर कराएंगे तो क्या बताया कि डाइफेरिक है, डाई अरेंज बनेगा, मतलब ये जो बेंजीन रिंग होगी दो एरेंज रिंग आपस में जुड़ जाएगी, क्योंकि डाई का डाई अरेंज बनता है। ये जोड़ देखिए किस तरह से जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड ये बन गया डाई एरिन, डाइफेनिल भी कह सकता है। अब यहां से दो सीएल के, क्योंकि दो ले लेते हैं ना डाई एरिन में, दो सीएल के दो एनएस से युक्त होकर दो एनएस सीएल बाहर है। इस तरह से भी हम इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स बात? एक और अभिक्रिया आगे या मेथिल क्लोराइड से कह सकते हैं, मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया अथवा मुर्टन फटिंग अभिक्रिया। देखो मुर्टन अभिक्रिया भी होगी इसको, फटिंग अभिक्रिया भी होगी। अभी इसके नाम से ही आपको पता चलता होगा कि मुर्टन अभिक्रिया तो कौन देते हैं, एल्किल हैलाइड देते हैं मुर्टन अभिक्रिया जब उनकी सोडियम धातु से अभिक्रिया होती है, और फिटिंग अभिक्रिया कौन देते हैं, हेलो एरिन देते हैं, यानी जैसे क्लोरोपेन में जब उनकी सोडियम धातु से क्रिया होती है। लेकिन अब ये दोनों ही आगे मुर्टन फिटिंग अभिक्रिया आगे, मतलब मुर्टन अभिक्रिया भी होगी इसी में और फिटिंग भी होगी अभिक्रिया, तो दोनों को संयुक्त करने के लिए एक अणु तो हम किस तरह लेंगे, और एक अणु लेंगे एल्किल हैलाइड जैसे मेथिल क्लोराइड है। अब दोनों के एक एक अणु लेकर उनके सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है उसमें, ये देखिए क्या बनेगा, उसमें बनेगा मेथिल बेंजीन बनता है। क्या बनता है, मेथिल बेंजीन बनता है। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, मुर्टन फटिंग अभिक्रिया कहेंगे। देखिए किस तरह से, एक अणु ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन हैलोजन, और एक अणु ले लिया हमने एल्किल हैलाइड जैसे हमने मेथिल क्लोराइड ले लिया। अब दोनों के एक एक अणु लेकर सोडियम धातु से अभिक्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखिए क्या बनता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर, मैंने बताया कि क्लोरोबेंजीन वो बनेगा मेथिल बेंजीन बनता है। ये जो CH3 होता है ना इसमें वो प्रतिस्थापित कर देगा बेंजीन स्ट्रक्चर, इसके ऊपर आ जाएगा CH3, फिर प्लस एक CL कहेगा और एक CL कहेगा, दो CL और दो NA के साथ संयुक्त होगा, ये बन गया दो NaCl, इसे कहेंगे हम मेथिल बेंजीन। ये तो मेथिल हो गया, ये बेंजीन स्ट्रक्चर हो गया, हम इसे टॉलोइन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे हम इसे, टॉलोइन। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, मुर्टन फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पर CH3 की जगह आप CH5Cl भी ले सकते हो, कोई सा भी एल्किल हैलाइड आप ले सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर क्या बनेगा, एल्किल बेंजीन बनेगा। क्लियर हो गई बात, यही अभिक्रिया क्या कहलाएगी, मुर्टन फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। एक बार और सुनेंगे, एक अणु एल्किल हैलाइड जैसे क्लोरीन में क्लोरोबेंजीन का और एक अणु एल्किल हैलाइड जैसे मेथिल क्लोराइड का लेकर उन दोनों की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्किल बेंजीन जैसे मेथिल बेंजीन बनाया, पर मेथिल एल्किल बेंजीन बनता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, मुर्टन फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। एक और अभिक्रिया होगी तो लास्ट अभिक्रिया है क्लोरीन से अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है।
क्लोरल से अभिक्रिया। तो देखिए क्लोरल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरल से कराने पर डीडीटी बनता है। डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका पूरा नाम होता है डीडीटी का। अब देखिए इसका जो यूज किया जाता है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। क्लोरल का जो फॉर्मूला होता है CCl3CH2, ये क्लोरल का फॉर्मूला होता है। हम इसे कह सकते हैं ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड भी कह सकते हैं इस क्लोरल को। इसके अभिक्रिया मैंने बताया कि क्लोरोबेंजीन से कराएंगे तो इसमें क्लोरोबेंजीन के दोनों मिलेंगे क्योंकि डाइफेनिल मैंने बताया डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइफेनिल है ना, तो इसलिए क्या लेंगे हम इसके दो अणु लेंगे क्लोरोबेंजीन के। थोड़ा लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं, ये सीएल हो गया सीएल क्लोरोबेंजीन हो गया। आप जानते हो कि बेंजीन मिलके हर एक कोने पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। यहां भी एक हाइड्रोजन परमाणु है और यहां पर भी क्या एक हाइड्रोजन परमाणु है। अब देखिए ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु इस एटीएटी से ऑक्सीजन से संयुक्त होकर जब कहूं बाहर निकल जाएंगे, H2O तो यहां पर बाहर निकल गया। तो देखिए इनकी दो संलग्नता मुक्त होगी, यहां भी कार्बन की दो संलग्नता फ्री हो रही है तो कार्बन की दोनों संलग्नता ये पूरी करेंगे दोनों, देखो किस तरह से पूरी करेंगे। तो ये बनेगा आगे CCl3 आगे क्या है आपका CH है तो CH H यहां पर नीचे हुई सिंगल बॉन्ड है, अब एक ही जोड़ और एक ही समूह जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड लो एच ये में बना लो। यहां पर क्लोरोबेंजीन की एक स्ट्रक्चर जोड़ दी और एक फ्री हो रही थी ना एक ही जोड़ देंगे। इसे हम क्या कहेंगे डीडीटी कहते हैं, डीडीटी कहते हैं, ये डीडीटी बनानी थी H2O बाहर है। बस आपको लिखने का तरीका ध्यान रखना, बहुत सिंपल अभिक्रिया होगी, क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे बना जाता है, या ऐसे भी आ जाता है कि डीडीटी बनाने की एक विधि भी है, तो डीडीटी बनाने की बन गया ना डीडीटी। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि क्लोरल का फॉर्मूला लिखेंगे CCl3CH2 और क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं को इस तरह से लिखेंगे ऊपर नीचे करके, दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जिसमें बाहर निकाल देंगे और ये दोनों जो क्लोरोफेनिल समूह होंगे ये इस C के साथ जुड़ जाएंगे, इस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा डीडीटी। तो देखिए डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो कितने कार्बन परमाणु है, एक और एक दो, दो कार्बन परमाणु वाले एक का नाम होता है एथेन। क्लियर होगी बात, तो इसलिए कहा जाता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका पूरा नाम होता है डीडीटी का, इसके बनाने की विधि होगी। अच्छा अब इसका उपयोग आगे उपयोग होता है विभिन्न एरोमेटिक यौगिक बनाने में इसका यूज किया जाता है, जैसे हमने डीडीटी का निर्माण करा इसमें, ठीक है ना, और भी बहुत सारे एरोमेटिक यौगिक जैसे मिथिल बेंजीन बनाई थी हमने बीच में टॉलोइन, ठीक है, उनका यूज किया जाता है इसमें। दूसरा इसका फफूंदनाशी के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। और तीसरा जो इसका यूज किया जाता है द्रव एरोसोल के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात, तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा जाएगा, ये अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से करने हैं तुम्हें।